हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइजब्लू। मैं हूं टीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, देखेंगे कहां पे एंटी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, आप जैसे देख सकते हैं एक बैंक निफ्टी एक रेंज में, सो 27,800 नियर से फ्यूचर मार्केट नीचे आया, तो 26,600 के आसपास आया। तो वहाँ से फ्यूचर मार्केट ऊपर गया, लेकिन प्रीवियस जो हायर पॉइंट था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो अराउंड 27,600 से फ्यूचर नीचे आके मार्केट ने एक न्यू हायर लो बनाया, पहले हायर लोअर हाई और हायर लो बना रहा है। तो एक मार्केट ट्रायंगल शेप हो रहा है, तो आप देख सकते हैं एक मार्केट मार्केट ट्रायंगल शेप ले रहा है, जैसे तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल शेप में चल रहा है, राइट। तो मुझे लगता है ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्टिंग लाइन है, यहाँ से फ्यूचर मार्केट एक ऊपर की तरफ, जिसे आप देख सकते हैं 27,300 का आसपास चल सकता है, राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे तो छोटा टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट एंटी के लिए और आज के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सट्रीमली लोअर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन में है, सॉरी सपोर्टिंग लाइन में है। तो यहाँ से थोड़ा मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाना है, तो इसलिए आप देखेंगे 15 मिनट में। तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट अभी थोड़ा एक ही एरिया में घूम रहा है, जिसे एक सोपी मार्केट फॉर्म हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर आपको एंटी करना है तो आप इसका जो नीचे है, नीचे सपोर्टिंग एरिया यहाँ पे बाय करके तो थोड़ा नीचे आप एसएल लगा सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फ्यूचर रिवर्स हो सकता है, राइट। अगर इनकेस इसने 27,500 ब्रेकआउट कर दिया, 26,500 ब्रेकआउट कर दिया, तो मुझे लगता है ये और नीचे जाने का चांसेस है। फिर भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लाइन है, तो यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए हम इसका ऊपर बाय लेंगे और टारगेट 27,400-300 के आसपास रहेंगे, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।